अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से निपटने की तैयारी के बाद यूक्रेन पर हमला बोला है। फिलहाल बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि बातचीत आखिर किन मुद्दों पर हो सकती है। पहला मुद्दा तो ये है कि यूक्रेन की मौजूदा सरकार को गिराया जाए और पुतिन वहां पर अपनी कठपुतली सरकार बना दें, जिसके बाद जंग बंद हो सकती है। अगर बातचीत होती है तो रूस को यूक्रेन को नेटो में शामिल ना होने की गारंटी मिल जाए, नेटो यूक्रेन को सदस्य ना बनाने की गारंटी दे। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1962 के क्यूबा संकट में अमेरिका ने क्यूबा पर हमला ना करने का वादा किया था। एक और रास्ता यह है कि यूक्रेन को फिनलैंड मॉडल पर गुटनिरपेक्ष बनाया जाए। हालांकि इसकी कोशिश पहले भी हो चुकी है, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन के फिनलैंड मॉडल को नकार दिया है। ये भी होने की आशंका है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन विभाजित हो जाए और रूस जंग बंद कर दे। तो हम आपको ये तमाम जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रूस की क्या कुछ रूस कर सकता है। और अब मास्टर स्ट्रोक में बात भारत की चिंताओं की भी करना बेहद जरूरी है। यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से भारत की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं और भारत को सबसे ज्यादा चिंता यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की है, जिनमें से ज्यादातर छात्र जो है वो मेडिकल वहां पर कर रहे हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ है, ऐसे छात्रों के घरवाले लगातार सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित निकालने की गुहार लगा रहे हैं, जबकि वहां रहने वाले छात्र बंकरों में छिपकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। परेशानी ये है कि हवाई मार्ग बंद है और इसी वजह से विमान आ जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों का रेस्क्यू किया जाएगा। दो ही दिन में रूस की फौज यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो गई है। दुनिया मानकर चल रही है कि यूक्रेन का सरेंडर अब बस कुछ वक्त की बात है, लेकिन इस युद्ध ने भारत की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं और उसकी वजह है यूक्रेन में फंसे हुए भारत के हजारों छात्र और नागरिक। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय हैं, जिनमें से 4,000 युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं, यानी अभी भी 16,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई CCS की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन तेज किया जाएगा। भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते निकाला जाएगा। पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के लिए विशेष उड़ानें संचालित होंगी। तमाम उड़ानों का खर्च भी भारत सरकार ही उठाएगी। अभी भारतीय ऐसे ही यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहाँ इंडियन एम्बेसी में करीब 200 छात्रों ने शरण ली हुई है। इन छात्रों से यूक्रेन के राजदूत पार्थो सत्यपति बात कर रहे हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। इस जटिल समस्या में स्टूडेंट्स को यहां सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम निभा रहे हैं। बच्चों को हमने यहां रखा हुआ है। कोशिश जारी है इनकी एवैक्यूएशन की। कीव अभी इंटेंस फाइटिंग के बीच में है, बट फ्रॉम द वेस्ट We are making efforts to take out students. हमारी फ्लाइट थी आज रात की, तब कल रात की हम वहाँ से कल ट्रैवल किए थे। हमें वहाँ पे आना था बट हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि हर चीज़ एक कर्फ्यू टाइप का लग चुका है। मैसेज आया कि आप लोग एम्बेसी के पास चले जाओ, तो हम लोग यहाँ आए एम्बेसी ऑफिस के पास। अभी हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा पैनिक है, क्योंकि उन्हें सिचुएशन जो है सही से नहीं पता चल पा रहा है। सब अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन यही है कि ऑर्गेनाइज वे में सब लोग अपने अपने घर चले जाएं अच्छे से। हम सब तो यही चाहते हैं, सारे हैं तो इंडियन से एट लास्ट। हम इनके साथ संपर्क में थे, इनको एडवाइस देते रहे और जैसे मैंने कहा जो वहाँ से निकलना चाहते थे वो निकल गए, जिसको फैसिलिटेट करना था हमने फैसिलिटेट करवाया। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो नागरिकों का सुरक्षा है, उनके वेलबींग है और उनके जो इवैक्यूएशन के जो अरेंजमेंट्स हैं वो हम पूरी तरह संभाल लेंगे और इसमें कोई घबराने की बात नहीं होगी। इसीलिए यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीयों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर की तरफ जाने की सलाह दी गई है। वो चेक पॉइंट्स भी बताए गए हैं जहां पर भारतीयों को जाना है, जैसे हंगरी और यूक्रेन के बॉर्डर पर चॉप जेहोनी के पास पहुंचना है, जबकि रोमानिया के बॉर्डर पर पुरुबने सिरीत पॉइंट पर जाना है। इन चेक पॉइंट्स पर भारतीय विदेश मंत्रालय के अफसर होंगे। इसके अलावा पोलैंड बॉर्डर से भी भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को ट्रेवल करते वक्त सलाह दी गई है कि वो अपने साथ अपना पासपोर्ट जरूर रखें। इसके अलावा अमेरिकन डॉलर में इमरजेंसी के लिए कैश रखें और अगर उपलब्ध हो
तो कोविड 19 के डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी रखें। इसके अलावा जिस भी वाहन से वो जा रहे हैं उस पर भारत का झंडा भी जरूर लगाएं। भारत सरकार के लिए इस वार जोन में फंसे अपने भारतीय मूल के नागरिक महत्वपूर्ण है, इसलिए कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बात हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर भी बात की और उन्होंने भारत की चिंताओं का जिक्र किया। सरकार की चिंताओं के बीच वो परिजन खासे परेशान हैं जिनके बच्चे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। लगभग सभी छात्र वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। वहाँ से ही छात्र हालात बयां कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पोलैंड और रोमानिया और स्लोवाकिया बॉर्डर से उनके पास उन्होंने कैंप करके बोला है इवैकुएट करने के लिए, लेकिन अभी हमके पास हम लोग क्योंकि थोड़ा वेस्टर्न सेंट्रल एरिया में और हमारे पास से बॉर्डर ऑलमोस्ट 600-900 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग के पास यहाँ कोई प्रोविजन नहीं कि हम लोग बॉर्डर तक जा सके। आई डोंट नो कैसे गवर्नमेंट हेल्प करेगी या नहीं करेगी, बट सबके सब बहुत डिप्रेस्ड हैं इस टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट्स जितना है, मेडिकल स्टूडेंट हो गया, लैंग्वेज कोर्स वाला हो गया, वर्क परमिट वाले बच्चे हो गए, एंड सभी बहुत टेंशन में है। एंड मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले। हालांकि कुछ छात्र खुशकिस्मत हैं जो लौट आए हैं, जैसे पानीपत की ट्विंकल जो कल शाम को यूक्रेन से लौटी है। ट्विंकल बता रही हैं कि वहाँ हालात बहुत खराब हैं। जब हम लोग आए तब इतनी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, हाँ थोड़ा बहुत बच्चों को डर था, लेकिन जब हम आ गए हैं तो वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो चुके हैं, लाइक बॉम्ब वगैरह और मिसाइल से लोग हमला कर रहे हैं, तो अब बच्चे बहुत डरे हुए हैं। आपकी बात हुई होगी आपके दोस्त से? हाँ, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, मैंने बात की है, तो उनको अभी बोला गया है एम्बेसी वालों ने कि अभी आप सेफ रहे, हॉस्टल रहे जहाँ पे भी है, और कुछ बच्चों को बंकर्स होते हैं उनमें लेके गए हुए हैं उनको। इन्हीं खुशकिस्मत छात्रों में आगरा के तुषार चौधरी भी थे जो यूक्रेन में एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। जब तक मैं वहाँ था तो रशिया का प्रेशर था, पढ़ाई वगैरह ऑनलाइन हो रही थी, सब बताया जा रहा था इंस्ट्रक्शंस कि अगर कुछ होता है तो क्या करना है, बंकर्स के बारे में बताया था, शेल्टर्स के बारे में कि कहाँ पे जाना चाहिए। मम्मी पापा बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, तो उस वजह से चिंता थी कि एक आध दिन तो मम्मी रो भी गई थी बुलाने के लिए कि आ जा आ जा। तुषार तो लौट आए लेकिन अभी भी हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और हर एक भारतीय को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।